जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली है डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति। तो मैंने ये वीडियो पे जैसे टाइटल पे भी लिख रखा कि प्रतिनियुक्ति आपको बता रखा है कि सीबीआई सिविल पुलिस और आईबी में प्रतिनियुक्ति कैसे जाते हैं, कैसे जा सकते हैं या जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि कईयों ने ऐसा पूछा कि क्या सर ये सही में पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो सीबीआई में काम करते हैं या इंटेलिजेंट ब्यूरो में काम करते हैं या सिविल पुलिस में भी जा सकते हैं क्या। तो दोस्तों प्रतिनियुक्ति का मतलब पहले तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन होता क्या है। डेपुटेशन का मतलब हो गया, वैसे तो कुछ ऐसे बल है जो ओनली डेपुटेशन पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे एनएसजी हो गया, इसमें टोटली डेपुटेशन पे ही जवान जाते हैं कि आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्स के, एसपीजी, इनमें तो टोटल जवान जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बल है जिनमें कुछ जवान डेपुटेशन के रूप में वो बुलाते हैं और वॉलंटियर के रूप में वहाँ पर जाके काम करते हैं। डेपुटेशन का मतलब हो गया कि जिस विभाग में आप सर्विस कर रहे हो उससे दूसरे विभाग में कुछ समय के लिए नियुक्ति आपकी की जाती है और कुछ समय आप अपनी वहाँ सेवाएं देके वापस वो समय पूरा होने के बाद में उसी डिपार्टमेंट में वापस आ जाते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों डेप्यूटेशन जाना। तो जैसे एनएसजी में जाता तो 5 से 6 साल के लिए, फिर वापस जिस डिपार्टमेंट का बीएसएफ वाला बीएसएफ में, सीआरपीएफ वाला सीआरपीएफ में। तो दोस्तों साथ ही बता दूँ ये वीडियो इसी बारे में, और अगर आपको एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग टू ट्रेनिंग तक कोई भी डिटेल चाहिए तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देखिए। डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए उसका वीडियो भी बना रखा है, और पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी के लिए भी वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक दे रखा हूँ मैं, तो आप उन वीडियो को जाके देखिए। आपका एसएससी जीडी से संबंधित अगर कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बताऊँ कि पहली बात तो ये कि सीबीआई और आईबी और सिविल पुलिस में डेपुटेशन जाते हैं। तो दोस्तों बता दूँ, हाँ सीबीआई में डेपुटेशन जाते हैं, आईबी में भी डेपुटेशन जाते हैं, लेकिन सिविल पुलिस में अब डेपुटेशन नहीं जाते हैं दोस्तों। बहुत ही रेयर केस में जाते हैं, पहले जाते थे सिविल पुलिस में भी डेपुटेशन कुछ समय के लिए, जो आर्मर्ड के रूप में वहाँ काम करते थे उसमें जाते थे दोस्तों। लेकिन अभी ये बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया, अभी कोई इस रूप में डेपुटेशन नहीं जाता है दोस्तों। अब इसके लिए एलिजिबल क्या होता है जो सीबीआई में और आईबी में जाते हैं? तो दोस्तों पहले तो ये होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में, जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो है तो उनको जितने जवानों के चाहिए उतने जवानों के लिए डिमांड करेगा कि इतने हमको वॉलंटियर चाहिए जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहे। तो आपके जहाँ पर रहते हो वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि कोई अगर इंटेलिजेंट ब्यूरो में जाना चाहता है तो उसकी मतलब कि मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल मतलब फर्स्ट कैटेगरी का मेडिकल होना चाहिए उसका, बिल्कुल मेडिकल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेडिकल एक नंबर होना चाहिए उसका, जितने साल की उसकी सर्विस है कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, उससे अगर ज़्यादा भी है तो उसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब पनिशमेंट या कोई भी सज़ा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, तभी उसको ऐसे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन भेजते हैं। अगर उसको पनिशमेंट मिल जाता है या उसको किसी प्रकार का सज़ा या कुछ भी ऐसा मिल जाता है, उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है या कहीं सिविल न्यायालय में उसके कोर्ट पर कोई केस हो रखा होता है या वहाँ पर उसको सज़ा हो रखी होती है, तो वो उसको डेपुटेशन नहीं भेजते हैं। तो इंटेलिजेंट ब्यूरो में भी डेपुटेशन जाते हैं और सीबीआई में भी जाते हैं, दोनों में आप जाओगे तो आपके जिस यूनिट में आप काम करोगे, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, वहाँ से आप वॉलंटियर बनके मतलब स्वेच्छा से एप्लीकेशन लिख सकते हो कि भाई अगर इस डिपार्टमेंट में कभी भी आए तो मैं जाने की मैं इच्छा रखता हूँ और मेरा नाम दे दिया जाए। तो जब भी उस डिपार्टमेंट से आपका उस डिपार्टमेंट से डिमांड आती है कि भाई इंटेलिजेंट ब्यूरो में इतने जवानों की ज़रूरत है, आपके डिपार्टमेंट से अगर कोई है वॉलंटियर तो आप उनको भेज सकते हो, तो वहाँ से आपका नाम हो जाता है। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी कम से कम 5 साल सर्विस होनी चाहिए, दूसरा आपका मेडिकल A1 होना चाहिए मतलब बिल्कुल फिट होना चाहिए, फिजिकल भी आपका फिट होना चाहिए, साथ में आपका कोई भी रिकॉर्ड या ट्रैक ख़राब नहीं होना चाहिए, जो यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनमें बिल्कुल ही आपका ट्रैक ख़राब नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे जाते हैं डेपुटेशन।